hello everyone and welcome back to my channel. we are doing a series on hands-on on ec2 instances. and today we are going to see how we can upload and download files from our local machine to the ec2 instances. so let us see what we are going to learn through this video. first of all, we will be launching a linux ec2 instance. then we will be understanding what do we really understand by the scp command.

Uh, आज के एक्सपेरिमेंट के लिए जिसमें मेरे को एक लिनक्स का ईसी टू इंस्टेंस जो है वो क्रिएट करना है और उसके अंदर एस एस एच करना है ये हम पहले भी कर चुके हैं तो आप प्रीवियस uh, वीडियो को जो है वो चेक कर सकते हैं कि हम किस तरीके से लिनक्स इंस्टेंस को इंस्टॉल करते हैं राइट right. तो चलिए हमने यहाँ पे ई सी टू पे क्लिक किया और मैं थोड़ा जल्दी इसको क्रिएट करते हैं और आई विल बी क्रिएटिंग ऑन इंस्टेंसेस न्यू

ट्रांसफर मैं इसका नाम ई सी टू ट्रांसफर रख देती हूँ बिकॉज हम इसमें फाइल्स जो हैं वो ट्रांसफर कर रहे थे तो ये अपलोड और डाउनलोड के लिए है सिक्योरिटी ग्रुप में यहाँ पर एक एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप ले रही इज़ अगेन ओनली यहाँ पे क्योंकि मैं एक तो एस एस एच करने वाली हूँ अपने इंस्टेंस के ऊपर और दूसरा एस सी पी कमांड का यूज करेंगे और एस सी पी कमांड के लिए मेरे को यहाँ पे जिस आ, प्रोटोकॉल की जरूरत है दैट इज ओनली एस एस एच राइट तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ एस एस एच की जरूरत है तो राइट uh... right. तो मैंने यहाँ पे जो ग्रुप लिया है दी एस एस एच तो ये सिक्योरिटी ग्रुप है जिसके अंदर यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एस एस एच अलाउ किया हुआ है बिकॉज मुझे एस सी बी कमान को यूज करने के लिए भी पोर्ट 22 की ही जरूरत है तो कोई फैंसी सिक्योरिटी ग्रुप हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं रिव्यू एंड लॉन्च पर जाते हैं एवरीथिंग सीम्स फाइन मैं अपना इंस्टेंस लॉन्च कर रही हूं और एक एग्जिस्टिंग की ले रही हूं दैट इज माय लिनक्स की आई एक्नॉलेज इट एंड आई एम लॉन्चिंग माय इंस्टेंस तो आप देख सकते हैं कि यहां पे मेरा जो इंस्टेंस है वो लॉन्च होना स्टार्ट हो गया है और अभी फिलहाल वो पेंडिंग स्टेट में है और थोड़ी देर में ही वो रनिंग स्टेट के अंदर आ जाएगा राइट right. अब आप देख सकते हैं कि जो इंस्टेंस है वो रनिंग स्टेट के अंदर आ चुका है अब मैं इस इंस्टेंस को यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं वो विजिबल है, है और डीएनएस भी मिल गया है चलिए अब मैं इस इंस्टेंस के अंदर एस एस एच करती है तो मैं ओपन अप करती हूँ अपना पावर शेल तो यहाँ पर हम अपना पावर शेल ओपन करते हैं एंड तो अब आप यहाँ पे मैं हमेशा की तरीके से उस पाथ पर जा रही हूँ जिस पाथ पर है हमारा की तो ओपन ड्राइव और ओपन ड्राइव से हम गए अपने डेस्कटॉप पे तो मेरी जो की है वो यहाँ पर स्टोर्ड है राइट अब मैं करती हूँ एस एस एच माइनस आई मेरे की का नाम था माई लिनिक्स की टेम फाइल और यहाँ पे क्योंकि मैं लिनिक्स के इंस्टेंस पे काम कर रही हूँ तो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम है ec2 टू यूजर एट द रेट यहाँ पे मेरे को मेरा पब्लिक आईपी देना है तो मैं इन्फो पे क्लिक करती हूँ तो हियर आई विल बी गेटिंग माय पब्लिक आई पी वी मैंने इसे कॉपी कर दिया राइट right? एंटर करते हैं तो आई शुड बी इन इंस्टेंस यस एंड हियर तो अब हम अपने ई इंस्टेंस के अंदर आ चुके हैं अब जो हमारे एक्सपेरिमेंट का नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट कहता है कि अब कोई फाइल होनी चाहिए आपके लोकल सिस्टम पे जिसको आपको इस EC2 इंस्टेंस के अंदर स्टोर कराना है ठीक है तो पहले तो मैं यहाँ पर एलएस करके देखती हूँ कि यहाँ पे कोई और डेटा है तो नहीं नहीं यहाँ पे कोई चीज नहीं है अच्छा अब उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट को मैं यहाँ पर एम कमांड से एक डायरेक्टरी यानी कि एक फोल्डर बना रही हूं जिसका नाम रखती हूं माई लोकल फाइल्स ठीक है तो इस फोल्डर में मैं मैं अपनी जो भी local files मेरी मेरे laptop से जाएंगी, वो मैं हाँ पर बना देते हैं। देखते हैं फोल्डर बन गया यस अब आप देख सकते हैं कि माई लोकल फाइल्स नाम से एक फोल्डर बन चुका है चलिए अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं सबसे पहले समझते हैं एस सी पी कमांड होती क्या है और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी फाइल्स को यहां पर ट्रांसफर कर पाते हैं राइट right. तो अब हम लोग अपने EC2 के अंदर जो है वो SSH कर चुके हैं। अब हम लोग SCP कमांड क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं ताकि हम एससीपी को यूज कर सके तो SCP कमांड is used इज securely टू सिक्योरली ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन Now राइट नाउ ये जैसे एस है तो वो सिक्योर कॉपी के लिए स्टैंड करता है और ये एक कमांड लाइन यूटिलिटी है जिसकी वजह से हम लोग फाइल्स और डायरेक्टरीज को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कॉपी कर सकते हैं यहां पर हम अपने लोकल सिस्टम कि ट्रांसफर कर सकते हैं हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमारा रिमोट सिस्टम है यानी कि हमारा ईसी टू इंस्टेंस है उससे अपने लोकल सिस्टम पर हम इसको डाउनलोड कर सके तो आज के लाभ में हम लोग यही चीज कर कर देखने वाले हैं और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हमारे दो रिमोट सिस्टम हैं राइट वो आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग दिस एस सी पी कम वेन ट्रांसफरिंग डेटा विद एस सी पी बोथ द फाइल्स एंड द पासवर्ड्स आर इनक्रिप्टेड सो दैट एनी वन स्नूपिंग ऑन द ट्रैफिक डजेंट गेट एनी सेंसिटिव सो so, यहां पर एक चीज हमें और पता होना चाहिए बिकॉज इट स्टैंड फॉर सिक्योर कॉपी तो जैसे हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो बाय डिफॉल्ट इनक्रिप्टेड होता है तो कोई भी हमारे डेटा को जो है वो हैक करके रीड नहीं कर पाता तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सिक्योर कमाल चलिए देखते हैं कि हम कैसे डेटा को अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ए इंस्टेंसेस से चलिए अब फाइल ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले मैं अपने डेस्कटॉप पर एक फाइल बनाती हूँ और लेट मी जस्ट क्रिएट अ न्यू फाइल और मैं उस फाइल का नाम रख देती हूँ माई टेक्स्ट राइट तो मैंने यहाँ पे माई टेक्स्ट नाम से एक फाइल बना दी और उस फाइल को मैं यहाँ पर ओपन अप करके लिखती हूँ हेलो एवरी वन आई एम फ्रॉम लोकल मशीन, राइट right? तो यहाँ पर बस मैंने एक फाइल बना दी है और उस पर लिख दिया है कि Hello Everyone, मैं लोकल लोकल मशीन मशीन से हूं. तो ये मेरी लोकल मशीन पे बनी हुई फाइल है और मैंने इसे यहाँ पे सेव कर दिया राइट right? अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो होगा एस सी पी कमांड को यूज करना तो ये जो पावर शेल है ये तो मेरा ईसी टू के अंदर हूं मैं इस समय आप देख सकते हैं तो मेरे को अपने लोकल मशीन के लिए एक और यहां पे शेल ओपन अप करना पड़ेगा तो मैं यहां पर इसकी एक और विंडो ओपन अप कर लेती हूँ अब मेरी जो फाइल है वो फाइल कहां पर बनी हुई है डेस्कटॉप पे तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा डेस्कटॉप पर जाना पड़ेगा तो मैं यहाँ डेस्कटॉप पर आ गई अब यहाँ पर एससीपी पे लिखकर मैं एंटर करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा सिस्टम जो है वो एससीपी को रिकॉग्नाइज कर रहा है कोई भी एरर नहीं दे रहा है चलिए अब हम लिखते हैं हमारी फाइल को ट्रांसफर करने की कमांड तो दैट विल बी एससीपी माइनस आई आई को आप देख सकते हैं इट स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी फाइल राइट तो एससीपी माइनस आई इसके बाद देना है मुझे मेरी की का नाम बिकॉज़ मैं लोकल से ec2 इंस्टेंस पे जा रही हूँ और ec2 इंस्टेंस जो है वो मतलब ऑथराइजेशन मांगेगा तो मुझे मेरे यहाँ पे की का नाम देना पड़ेगा तो मैंने माय लिनक्स का नाम दे दिया ये मेरी की है ठीक है इसके बाद मैं जिस फाइल को ट्रांसफर करना चाहती हूँ तो आई वांट टू ट्रांसफर माय txt.text ये मेरी फाइल है जो अभी मैंने बनाई थी जिसमें मैंने कुछ लिखा था फ्रॉम लोकल मशीन राइट अब ये फाइल मेरे को कहां लेकर जानी है EC2 instance पे ठीक है तो मुझे यहाँ पे EC2 instance का proper address देना पड़ेगा तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे मेरा EC2 user at the rate अब एट द रेट के बाद मैं यहाँ पे दूंगी अपने EC2 का DNS तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टेंस समरी में मेरे पास मेरा DNS है तो मैं उसे यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ अपने दोनों शेल्स यहाँ पर ओपन अप करती हूँ राइट तो मैंने अपना DNS एन पर कॉपी करके कर दिया ठीक है इसके बाद मुझे उसे बताना पड़ेगा कि मैं इस फाइल को माई लोकल फाइल्स नाम के फोल्डर में डालना चाहती हूँ तो कोलन लगाकर हम लिखेंगे माई लोकल फाइल्स राइट कि वाली जो फाइल है माई टी एक्स टी भाई इसे इस टू यूजर के लोकल फाइल्स पे आप पुट ऑन कर दीजिए एंटर करते हैं एंड आई विल बी राइटिंग यस और देखते हैं कि वो फाइल ट्रांसफर हुई या नहीं यस yes, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माई टेक्स्ट डॉट टी जो है वो 100% परसेंट यहाँ पर जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है अच्छा अब ये तो मेरे विंडोज का शेल था राइट अब मैं इधर आती हूँ अपने ई इंस्टेंस पे एंड नाउ लेट मी चेक कि क्या ये फाइल जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है या नहीं तो uh, मैं एक काम करती हूँ सी करके माई लोकल फाइल्स के अंदर जाती हूँ और मैं इसे एल करके देखती हूँ यस yes. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे माई टेक्स डॉट टीएक् फाइल जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है ठीक है अब एक काम करते हैं इसके कंटेंट को रीड करके देखते हैं तो इट इज माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी राइट तो हम कैट कमांड से ये भी कंटेंट भी जो है वो रीड कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं लिखा रहा हैलो एवरी वन आई एम फ्रॉम लोकल मशीन राइट सो दैट इज़ वर्किंग वेरी फाइन अब हम एक काम करते हैं हम इसके अंदर लिखते हैं कैट और डबल एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे माय टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी और अब इसके अंदर मैं जो भी कुछ लिखूंगी वो अपेंड हो जाना चाहिए तो मैं लिखती हूं आई वेंट टू सी टू एंड नाउ आई एम बैक राइट और यहाँ पर एंटर कर देते हैं कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे राइट right? अब मैं दोबारा से यहाँ पर इसको कैट करके देखती हूँ तो हेलो एवरी वन आई एम फॉर्म लोकल मशीन आई वेंट टू ई सी टू एंड नाव आई एम बैक ये जो है वो अप एंड हो चुका है अगर मैंने यहाँ पे एक सिंगल कोलन लगाया एंगुलर ब्रैकेट लगाया होता है ना तो वो ओवर राइट हो जाता चलिए अब हम एक काम करते हैं लेट मी जस्ट गो टू माई डेस्क टॉप अगेन एंड लेट मी मेक अ फोल्डर ओवर हीयर तो मैं यहाँ पर अब एक फोल्डर बना रही हूँ और मैं उस फोल्डर का नाम दे देती हूँ माए ई सी टू फाइल्स राइट तो जो फाइल्स मेरी ई सी टू इंस्टेंसेस से आएंगी वो मैं इस फोल्डर के अंदर डाउनलोड करना चाहती हूँ तो अगेन मैं ओपन अप करती हूँ अपना ये कंसोल सॉरी पावर शेल और अब हम लोग डाउनलोड करना देखते हैं कि हम कैसे फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं तो फाइल को डाउनलोड करने के लिए मेरे को देना पड़ेगा अगेन एस सी पी राइट माइनस आई मुझे फिर से यहाँ पर अपना की पेयर देना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे देती हूँ मेरा की पेयर जो कि है मेरी लिनिक्स की डॉट पेम इसके बाद मेरे को बताना पड़ेगा मेरी फाइल कहाँ है तो मेरी फाइल है ई सी टू यूज़र पे राइट एट द रेट मुझे फिर से मेरा पब्लिक डी चाहिए तो मैं ये पब्लिक डी एन एस यहाँ से कॉपी कर रही हूँ राइट right? तो ई सी टू यूज़र दिस इज़ माई पब्लिक डी एन एस अब इस पब्लिक डी एन एस में मेरी फ़ाइल है माई लोकल uh, फाइल्स नाम के फोल्डर में ठीक है और फाइल का नाम है मेरा my टी एक्स टी डॉट अच्छा यहाँ पर मैं एक ही फाइल ट्रांसफर कर रही हूं अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं तो आप स्लैश लगाकर स्टार लगा सकते हैं यहाँ पे तो आपकी मल्टीपल फाइल्स भी जो हैं वो एक साथ जो है वो डाउनलोड हो जाएंगी अच्छा अब स्पेस देकर हमको यहाँ पर बताना है कि मेरे को कहां पे इस फाइल को लोकली रखना है तो उसके लिए मैंने जो मेरा ये फोल्डर बनाया है मैं इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाकर इसका पाथ जो है वो कॉपी कर लेती हूँ तो मैंने ये पाथ यहाँ से कॉपी कर लिया वापस जाते हैं अपने पावर शेल पर और यहाँ मैं वो पाथ कॉपी कर देती हूँ और मैंने फोल्डर जो बनाया था डेस्कटॉप पे वो फोल्डर था मेरा माय राइट right? तो मैं चाहती हूँ कि वो माई टी एक्स टी जो है वो वापस आ जाए एंटर करते हैं देखते हैं कि ये रन होता है यस yes, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फोल्डर के अंदर जो है वो माई टेक्सट जो है वो वापस आ गया चलिए एक काम करते हैं सी डी करके देखते हैं माई ई सी टू फाइल्स राइट right, और मैं इसको एल एस करती हूँ यस yes, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेक्स्ट जो है फाइल आपको यहाँ पे वो विजिबल हो रहा है चलिए हम इसके कंटेंट को भी यहां पर रीड करते हैं तो लिखते हैं माई टेक्स डॉट टी एक्स टी दैट इज डॉट टी एक्स टी तो इसको रन कर कर देखते हैं तो देखिए हेलो एवरीवन आई एम फ्रॉम द लोकल मशीन एंड आई वेंट टू सी टू एंड नाउ आई एम बैक तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक फाइल को ईसी टू पे डाला राइट right? कुछ फाइल बनाई उस पर कुछ लिखा कुछ काम किया ईसी डाला वहां कोई वर्कआउट किया और उसको वापस से मैंने अपने लैपटॉप पे जो है वो डाउनलोड कर लिया राइट right? तो एक बार इसको और यहाँ से वेरीफाई भी कर लेते हैं लेट मी गो बैक टू हियर दिस इज फाइल्स वाला फोल्डर माई टी आपको यहाँ पर भी दिखेगा और मैं इसको ओपन अप करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि आई वेंट टू इंस्टेंस जो है वो यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो टाइप भी है आई होप आपको ये हैंड ऑन पसंद आया होगा और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपनी क्वेरीज मेरे से पूछ सकते हैं एंड बने रहिए मेरे चैनल के साथ थैंक यू